हेलो फ्रेंड्स, गूगल ने हाल फिलहाल में एक अपडेट दिया है जिसमें कि गूगल ने बताया कि गूगल एक अपना गूगल वॉलेट के नाम से वॉलेट लॉन्च करने जा रहा है। तो दोस्तों, गूगल वॉलेट में हमें काफी इंटरेस्टिंग फीचर्स देखने के लिए मिलने वाले हैं। इसमें क्या क्या फीचर्स होंगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कि देखिए, गूगल ने पहले गूगल पे के नाम से जो वॉलेट लॉन्च किया था उसमें हम किसी को भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, और वहां से हम मोबाइल रिचार्ज या कोई भी बिल पे कर सकते हैं। बट जो गूगल अपना गूगल वॉलेट के नाम से एक ऐप लॉन्च करने जा रहा है, इसमें हमें काफी डिफरेंट प्रकार के फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे। तो क्या क्या इसमें फीचर्स होंगे मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। सबसे पहला फीचर है दोस्तों कि आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड को इसमें सेव करके रख सकते हैं, वर्चुअली सेव करके रख सकते हैं। किसी भी शॉप पे, कहीं पे भी मॉल में आप जाएंगे तो आप अपने डेबिट कार्ड को, क्रेडिट कार्ड को आपको कैरी करके ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप गूगल वॉलेट में आप उसके मदद से पेमेंट कर सकते हैं। वहां पे आपको अपना फोन टेप करना होगा, वहां पे उसको टच करना होगा। NFC और क्लाउड की जो टेक्नोलॉजी है उसकी मदद से आपके जो फोन में से, यानी कि गूगल वॉलेट की तरफ से आपके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट डेबिट हो जाएगी, जिसको भी आपने एक्सेस दे रखा होगा पेमेंट डेबिट होने का। दूसरा यहाँ पे फीचर है दोस्तों आपको कि आप अपने जो भी आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, या कोई भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, कोई भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गया, आप उसको अपने गूगल वॉलेट में एज ए वर्चुअल रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर आप उसको यूज कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट की तरफ से वैलिड होगा। और अब मैं दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको कुछ फीचर्स ऐसे भी देखने के मिलेंगे, यानी कि आपको लोन की भी फैसिलिटीज मिल जाएगी। गूगल वॉलेट में आपको लोन की तरफ से भी ऑफर्स मिलेंगे कि अगर आप किसी लोन के लिए एलिजिबल होंगे तो आपको वहां पे लोन के लिए भी अप्लाई करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप लोन अप्लाई करके लोन भी ले सकते हैं अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो। वो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि देखिए, एक इंटरेस्टिंग फीचर्स यहाँ पे गूगल ने ये अपडेट किया इसमें कि अगर आपके पास कोई कार है तो आप कार की की को भी आप वर्चुअल बना के अपने गूगल वॉलेट में सेव कर सकते हैं और आप अपनी कार को ऑपरेट कर सकते हैं। यानी कि जैसे कि उसके डोर लॉक करना, अनलॉक करना, या फिर उसको स्टार्ट करना। जैसे कि नई टेक्नोलॉजी की जो भी गाड़ियां आजकल आ रही हैं उनकी कार जो होती है, कार की की एज ए रिमोट काम करती है, तो आप उसको वर्चुअल बना के जिसमें भी ये फैसिलिटीज होगी तो आप उसको गूगल वॉलेट से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे काफी सारे इंटरेस्टिंग इसमें फीचर हैं। अगर आप फ्लाइट टिकट बुक करेंगे तो जो आपका बोर्डिंग पास होगा उसको भी आप सेव करके रख सकते हैं उसमें। ऐसे काफी सारे इसमें गूगल वॉलेट में इंटरेस्टिंग फीचर्स दिए गए हैं। तो काफी लोग इसके लिए एक्साइटेड हैं कि गूगल अपने इस वॉलेट को कब लॉन्च करेगा। तो दोस्तों कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपको ये इसके फीचर्स कैसे लगे और गूगल वॉलेट आपके लिए क्या इंटरेस्टिंग रहेगा, यानी कि बेनिफिट इसका आपको क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।